चार छत्ता लेके आता हूँ। इसको बनाते कैसे, मतलब आप खुद बनाते हैं या आपकी फैमिली बना के देते हैं क्या? मैं खुद बनाता हूँ। मैं तो जॉब करता था गदाई रोड पर, कपड़े का काम वगैरह करता था। तो फिर जो लॉकडाउन वगैरह आया उसके थोड़ी परेशानी हो गई, फारिग कर दिया बंदे फारिग होने शुरू हो गए थे, तो फिर फारिग कर दिया था। अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान मुमताज़ शिकरी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं बोलो पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हम जमशेद रोड पर मौजूद है। यहाँ पे एक शहरी बिलाल की जानिब से चिकन बुट्टी बेचने का एक सिलसिला शुरू किया है। वो अपने बाइक पर घर से चिकन बुट्टी बना के लाता है और यहाँ पे सिर्फ 50 रुपये में बेचता है, जो कि आमतौर पर अगर आप दूसरे बाज़ार से, दूसरी दुकानों से या दूसरी जगहों से लेंगे तो आपको 70 से 100 रुपये 150 रुपये तक पड़ सकता है। लेकिन बिलाल ने जो 50 रुपये में यहाँ पर बेचना स्टार्ट किया है, आप एक प्लेट उनके बाइक पर लगा हुआ है, आप ये भी देख सकते हैं। के रोल पॉइंट चिकन बुट्टी रोल घर का बना हुआ 50 रुपये, माल आर्डर पर भी तैयार किया जाता है। तो उनकी ये कहानी स्टार्ट कैसे हुई, आइए उन्हीं की जबाने सुनते हैं। ये पहले तो जॉब करते थे, जब जॉब खत्म हुई तो ये लॉकडाउन की वजह से फिर लॉकडाउन में भी ये काम शुरू कर दिया हमने। पहले कहाँ जॉब करते थे, किस तरह की जॉब करते थे और कैसे छूट गई जॉब? मैं तो जॉब करता था गदाई रोड पर, कपड़े का काम वगैरह करता था। तो फिर जो लॉकडाउन वगैरह आया उसके थोड़ी परेशानी हो गई, फारिग कर दिया बंदे फारिग होने शुरू हो गए थे, तो फिर फारिग कर दिया था। फिर मैं ये काम शुरू कर दिया, पहले वाक्य चलाया मैंने, वाक्य चलाने के बाद फिर ये शुरू कर। अच्छा, तो आप इस छोटे बॉक्स में तकरीबन 50 रुपये में आप बेच रहे हो, हालांकि मार्केट में तकरीबन अगर लेंगे तो 70 रुपये 80 रुपये 100 रुपये 150 रुपये तक पड़ेंगे, तो सिर्फ आप 50 रुपये में ये आपको मुमकिन कैसे हुआ? ये कम से कम क्वान्टिटी कम करके ना उसको इस तरह के हर कोई ले सकेगा। आम बंदा भी ले सके उसको, क्वालिटी भी बनाया हमने उसको और अच्छा सा कम क्वालिटी करके बनाया। ठीक है, इस छोटे बॉक्स में आप बना के लाते हैं तो कितना, मतलब इसमें कितने तक आप बना के लाते हैं? मैं 60-70 लेके आता हूँ। इसको बनाते कैसे, मतलब आप खुद बनाते हैं या आपकी फैमिली बना के देते हैं क्या? मैं खुद बनाता हूँ। आप खुद बनाते हैं, घर से बना के यहाँ पे लाते हैं, तो डेली बेस पर आपकी कितना, मतलब आप परचेज करते हैं डेली, कितना कमाते हैं आप? मैं रोज़ के यहाँ पर 500-700 रुपये हो जाते हैं मेरे रोज़ के। रोज़ के आप 600-700 रुपये यहाँ पे कमाते हैं, तो आपकी स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन क्या है, क्योंकि मुख्तलिफ लोग आपके पास आते हैं तो टाइम क्या है? 4 बजे मैं आता हूँ, 4 बजे फिर मेरा माल जब भी खत्म हो जाए मैं निकल जाता हूँ यहाँ से। कभी मगरी के टाइम खत्म हो जाता है, कभी मगरी के बाद भी खत्म होता है, कभी सात भी बच जाते हैं। मतलब आपके टाइम जो है 4 बजे से लेकर तकरीबन 7-8 बजे तक स्पेसिफिक यही टाइम है। आप कोई पैगाम देना चाहेंगे जो लोग मतलब बेरोजगार हुए कोरोना की वजह से या मुख्तलिफ अभी लोग तलाश कर रहे हैं, मुख्तलिफ जॉब तलाश कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? उनके के लिए ये पैगाम है कि भाई अपना काम कोशिश करे बंदा, तो अपने घर पे बना के बेचे तो आराम से वेटिंग हो सकता है काम। लोग आजकल परेशान है जॉब के लिए, तो अपना काम शुरू करे, छोटा मोटा मोटरसाइकिल पर तो काम शुरू करे, हर काम हो जाता है। मौजूद था, ये आपके लिए भी पूरे शहरियों के लिए जो जॉब तलाश कर रही है या जो मुख्तलिफ काम नहीं कर रही या काम की तलाश में, उनके लिए भी एक मोटिवेशन है कि आप छोटे भी बॉक्स में भी क्यों ना हो, घर से मुख्तलिफ चीज़ें, मसलन आप बिरयानी बेच सकते हैं, चिकन बूटी बेच सकते हैं, इस तरह के मुख्तलिफ चीज़ें आप बनाकर अगर बेचेंगे तो आपके जो फैमिली अखराजात है वो कम से कम आपके पूरे होंगे। अपने मेज़बान मुमताज़ शिकरी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।